मसीह में आप सबको सलाम, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज जो हम दसवां ठाट करेंगे ये कल्याण ठाट है, ठीक है। इसके कुछ राग हम करेंगे, तो मैं साथ साथ यूट्यूब पर चैनल है सिस्टर समीना का, तो आप लोग उसे भी फॉलो करें, मैं उसका लिंक साथ दे दूंगा, ठीक है। तो वो उस चैनल को भी फॉलो करें, वो मसीही गीतों के बारे में है। तो खुदा आप सबको बरकत दे, वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर कर दिया करें। तो नया गीत भी आ रहा है उस चैनल पर, तो आप लोग ज़रूर उस गीत को चैनल को फॉलो करें। तो पहला जो हम राग करेंगे ये राग है गौड़ सारंग। अभी हम इसका आरोह हो गया, आरोह देखेंगे। सानी धा प ध म प ग म रे प रे सा, फिर देख ले। सानी धा प ध म प ग म रे प रे सा। अगला राग देखेंगे हम। इस राग का वादी सुर गा है, संवादी सुर गा गा है। गाने का वक्त दिन का दूसरा पहर है। वादी सुर इसका गा है, संवादी सुर इसका धा है। गाने का वक्त दिन का दूसरा पहर, ठीक है। अगला राग देखते हैं। दूसरा जो राग हम करेंगे इस राग का नाम है राग छाया नाट। ये ऐसे जाएगा सारे सा। अभी इसका हम अवरोह देखेंगे, आरोह हो गया। सा नी धा प म प ध प ग म रे सा। तो काफी लोगों ने कहा था कल्याण ठाट के हमें कुछ राग बताएं। राग छाया नाट का जो वादी सुर है वो पा है, संवादी सुर इसका रे है। गाने का वक्त जो है वो दिन का रात का पहला पहर है, ठीक है। मतलब जैसे राग शुरू होती है। तीसरा जो राग है इस राग का नाम है जैत कल्याण, वो ऐसे है सा रे गा प ध सा। ये जाते हुए भोपाली की तरह जा रहा है, लेकिन ये भोपाली नहीं, जैत जैत कल्याण, ठीक है। सा रे गा प ध सा, आरोह हो गया, आरोह देखते हैं। अभी इसका वापसी ऐसे है, ऐसे बनेगा जे जैत कल्याण, ठीक है। रे सा ध प ग रे सा, देखे कितना फर्क, सिर्फ रे का फर्क है, राग चेंज हो गया। रे सा ध प ग रे सा, जैत कल्याण। इस राग का वादी सुर पा है, संवादी सुर इसका सा है। गाने का वक्त रात का पहला पहर, ठीक है। अगला राग देखते हैं। अगला राग भोपाली है, तो भोपाली राग आप सबको पता है कैसे है। वादी सुर इस राग का गा है, संवादी सुर इसका धा है। गाने का वक्त रात का पहला पहर है, ठीक है। अगला राग देखते हैं। अगला जो राग हम करेंगे इस राग का नाम है राग मारू बेहाग। राग मारू बेहाग, इस तरह जाना आपने राग मारू बेहाग का जो चलन है वो कुछ ऐसे है। प नी सा ग म प नी सा, फिर देख ले। प नी सा ग म प नी सा, आरोह हो गया, आरोह ऐसे है। नी रे नी ध प म ग
इसका अरो था, अब्रो था, अरो भी हो गया, अब्रो भी हो गया इसका। अगला राग हम देखते हैं, इसका पहले वादी सुर इसका गा है, संवादी सुर नहीं है। गाने का वक्त दिन का जो आखिरी पैर होता है, मतलब रात का टाइम ही समझ लें आप, ठीक है। अगला जो राग हम करेंगे ये राग है शुद्ध कल्याण। देखे जरा कैसे जाना है, सरे गा प ध सा सा नी ध प म ग रे सा। जाते हुए भोपाली की तरह जाना, आते हुए जिस तरह राग यमन आता है वैसे हम सरे गा प ध सा नी ध प म ग रे सा। शुद्ध कल्याण का वादी सुर है गा, संवादी सुर धा है। गाने का वक्त जो है रात का पहला पहर, ठीक है। अगला जो राग है हमारा, ये राग का नाम है श्री कल्याण, श्री कल्याण, ठीक है। नाम काफी मुश्किल है, राग श्री कल्याण, राग का नाम है श्री कल्याण, श्री कल्याण। अरो देखे जरा इसका, इस तरह जाना आपने, सरी म प ध प सा, सरी म प ध प सा। अभी इसका हम अरो हो गया, अब रो देखेंगे, अभी हम अरो हो गया, अब रो देखेंगे, सा ध प म प राग का नाम था राग श्री कल्याण, सा ध प म प रे सा। वादी सुर जो है इसका पा है, संवादी सुर इसका सा है। गाने का वक्त जो है इस राग का दिन का पहला पहर है, ठीक है। गाने का वक्त जो था वो रात का पहला पहर है, ठीक है। रात का मतलब पहला पैर जो रात शुरू होती है उसे कहते हैं पहला पैर। तो अगला राग हम देखते हैं, इस राग का नाम है सामनी कल्याण। राग सामनी कल्याण का अरो ऐसे है, सारी सा म ग प ध सा, फिर देख ले, सारी जो अरो होता है वो जाने को कहते हैं, अरो कहता है वापसी को, ठीक है। अभी इसका जो अरो है वो बहुत मुश्किल है, जरा वो भी देख लिया आप, अभी जरा देखें कैसे आना पड़ेगा आपको, सा नी ध नी ग प ध नी सा, फिर देख ले जरा, सा नी वादी सुर सा है, संवादी सुर इसका पा है। गाने का वक्त जो है वो रात का पहला पहर है, ठीक है। खुदा आप सबको बरकत दे। अगला राग हम देखते हैं, आखिरी जो राग है इस राग का नाम है हिंडोल, ठीक है। ये भी कल्याण ठाट का ही राग है। हंडोल का अरो, सा ग म ध नी ध सा, सा ग म ध नी ध सा नी ध म ग सा। वादी सुर जो है इसका धा है, संवादी सुर इसका गा है। गाने का वक्त दिन का पहला पहर है। तो वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर कीजिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे।
खुदा आप सबके साथ हो, आमीन।